The mountains are calling and I must go. John Muir perfectly sums up our feelings about these majestic natural wonders. भारत की बात करें तो we are blessed with the great Himalayas और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि Himalayas are the biggest to regulate India's climate and probably that is why it is also a very important chapter of your UPSC syllabus. Stretching over northern borders, Himalayas एक high young fold mountain ranges है जो कि west से east की तरफ जाते हैं like from Indus to Brahmaputra जो कि लगभग 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं. अगर इनके altitude variations की बात करें तो eastern half की variation ज़्यादा है rather than western half. इन हिमालयन रेंजेस को ईयर्स के हिसाब से तीन फेजेस में बांटा गया है. नंबर वन ईओसीन 64 मिलियन ईयर्स अगो जिनको ग्रेटर हिमालयास के नाम से बुलाते हैं. नंबर टू मायोसीन 45 मिलियन ईयर्स अगो जिन्हें लेसर हिमालयास के नाम से बुलाते हैं. एंड नंबर थ्री पोस्ट प्लायोसीन 1.4 मिलियन ईयर्स अगो इनको शिवालिक्स या आउटर हिमालयास के नाम से डिनोट किया जाता है. नाउ इफ यू कम टू क्लासिफाई दीज यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस तो ये लॉन्गिट्यूडनल सीरीज ऑफ हिमालयास और रीजनल सीरीज ऑफ हिमालयाज में क्लासिफाई होते हैं. चलिए इनको एक एक करके अनफोल्ड करते हैं. बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल सीरीज ऑफ हिमालयाज की तो ये पांच फेजेस में डिवाइडेड होते हैं. तो सबसे पहला है ट्रांस हिमालयाज. इनको तिब्बत हिमालय रेंजेस भी कहा जाता है और ये सेक्शन बोला जाता है कि हिमालय से भी ज्यादा ओल्ड है. ये रिवर्स नॉर्थ और साउथ में बहने वाले रिवर्स के बीच वाटरशेड की तरह एक्ट करती है. ये रेंजेस 40 किलोमीटर वाइड और 5000 मीटर हाइट में होती है. नेक्स्ट कम्स ग्रेटर हिमालयास. ये हिमालयास की सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है. ये ग्रेट या इनर हिमालयास या हिमाद्री के नाम से भी जानी जाती है. ये रेंज 6000 मीटर की हाइट तक होती है. अगर इनके फैलाव को देखें तो ये वेस्ट में नंगा पर्वत से लेकर ईस्ट में नमचा बरवा तक है. इस रेंज में हिमालयास की सारी प्रोमिनेंट पीक्स है जैसे कि कंचनजंगा, सियाचिन ग्लेशियर. ग्रेटर हिमालयास जैसा नाम वैसे ही इसकी सारी चीजें भी है जैसे कि वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंजेस यही हैं, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर भी यही हैं और हाईएस्ट पास भी यही हैं. इवन माउंट एवरेस्ट भी इसी रेंज का हिस्सा है. एक अनोन फैक्ट ग्रेट हिमालयास के बारे में ये भी है कि इस रेंज का कोर कंपोनेंट ग्रेनाइट से बना हुआ है. इवन हिंदुस्तान तिब्बत ट्रेड लिंक रोड शिप किला यहीं से पास होती है. फिर आता है हमारा लेसर हिमालयास. ये हिमालयन रेंजेस हिमाद्री रेंजेस के साउथ में लाई करते हैं. ये रेंजेस बहुत ही अनइवन है. आप कह सकते हो दीज रेंजेस फॉर्म द मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम क्योंकि ये हाईली कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक से बने हुए हैं. लेसर हिमालयास को हिमाचल या मिडिल हिमालयास के नाम से भी बुलाया जाता है. बात करें इनकी हाइट की तो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच वैरी करती है और इनकी एवरेज विड्थ है 50 किलोमीटर. पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग तिब्बा और महाभारत रेंज. इनके बाद आती है सब हिमालयास. ये हिमालय रेंज की सबसे आउटर रेंज में आती है. इनको शिवालिक के नाम से भी बुलाया जाता है. ये 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक विड्थ में एक्सटेंडेड है और इनका एल्टीट्यूड 900 मीटर से 1200 मीटर तक है. मिडिल हिमालयास के बाद शिवालिक रेंजेस सबसे यंगेस्ट माउंटेन की कैटेगरी में फॉल करते हैं. इस रेंज के माउंटेन रिवर्स के लूज सेडिमेंट से बने हुए हैं और इनकी वैलीज थिक ग्रेवल और सुपर फर्टाइल सॉइल एलुवियम से कवर्ड है. लॉन्गिट्यूडनल सीरीज के सबसे लास्ट में आता है पूर्वांचल. आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग जॉर्ड हिमालयास अचानक से सदर्न टर्न लेते हैं और कंपेरेटिवली लो हिल्स फॉर्म करते हैं जो कि वेस्ट की तरफ जाते हैं जिसे हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं. ये रेंजेस मोस्टली स्ट्रॉन्ग सेडिमेंट्री सैंडस्टोन से फॉर्म हुए हैं और घने जंगल से कवर्ड रहते हैं. इफ यू लुक एट इट्स एक्सटेंशन तो ये नॉर्थ में पटकाई बम से अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं और साउथ में नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स और लुशई हिल्स को आपस में मर्ज करके म्यांमार और इंडिया के बीच बाउंड्री को फॉर्म करते हैं. तो ये था हमारा लॉन्गिट्यूडनल हिमालयास. अब हम बात करेंगे रीजनल डिविजन्स ऑफ हिमालयास की. तो रीजनल डिविजन्स ऑफ हिमालयास भी चार फेजेस में डिवाइडेड है. पंजाब हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास, नेपाल हिमालयास, असम हिमालयास. तो पहला है पंजाब हिमालयास. ये रेंजेस हिमालय के वेस्ट मोस्ट पार्ट में फॉल करती है एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू साउथ फॉर 560 किलोमीटर. नेक्स्ट है हमारा कुमाऊं हिमालयास. इस रेंज की जनरल एलिवेशन पंजाब हिमालय से ऊंची होती है और वेस्ट मोस्ट पार्ट में इसको गढ़वाल हिमालयास भी बुलाते हैं. यहाँ पर आप देखोगे कि बद्रीनाथ, गंगोत्री जैसे हिंदूज के कई पिलग्रिमेजेस सेंटर्स भी है. इसके बाद है नेपाल हिमालयास. इस रेंज का मैक्सिमम पार्ट नेपाल में लाया करता है. कहा जाता है कि ये माउंट एवरेस्ट के सबसे टॉलेस्ट सेक्शन में आते हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, अन्नपूर्णा जैसे रेंजेस नेपाल हिमालयास में आते हैं. और सबसे लास्ट में आते हैं असम हिमालयास.
हालांकि इसे असम हिमालयस बुलाते जरूर है, पर ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। ये रेंजेस जनरली काफी स्टीप होती है, लेकिन अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे जैसे कि नमचा बरवा, कुला कांगरी जैसे रेंजेस, तो इनकी स्टीपनेस कम होने लगती है। वैसे हिमालयस में कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स भी है, जैसे कि सिंटैक्सियल बेंड्स और ऑफशूट ऑफ हिमालयस। तो सबसे पहले सिंटैक्सियल बेंड्स को समझते हैं। जब हिमालयन रेंजेस शार्प साउथवर्ड्स बेंड्स लेते हैं तो उसको सिंटैक्सियल बेंड्स कहा जाता है। वेस्टर्न सिंटैक्सियल बेंड्स नागा पर्वत पर अकर होती है, जहाँ इंडस रिवर ने जॉर्ज पर डीप कट किया हुआ है, और वही ईस्टर्न सिंटैक्सियल बेंड आपको नमचा बरवा पर दिखाई देगी। तो अब आता है ऑफशूट्स हिमालयस। जब माउंटेन साउथवर्ड से ज्यादा एक्सटेंड हो जाए तो उसको ऑफशूट्स हिमालयस बोला जाता है, जैसे कि दार्जिलिंग हिमालय, सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, भूटान हिमालय। तो ये था कंप्लीट ग्रेट हिमालयस। नाउ आई एम 100% श्योर कि आपको इस रेंज के सारे टाइप्स और वेराइटीज ऑफ हिमालयस के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस कॉन्टेंट इज ब्रॉट यू बाई अरिहंत मैकबुक सीरीज। इंटरेस्टिंग राइट? यूपीएससी के ऐसे ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए एक्सप्लोर अरिहंत मैकबुक सीरीज, विच एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट लाइक नो अदर, एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।